बाराबंकी जिला अस्पताल में बैठी ये लड़की धोखे का शिकार होते हुए एक बच्चे की मां बन गई है और खुद भी नाबालिग है, जो सफदरगंज थाना क्षेत्र की रहने वाली है। इसके पड़ोस में रहने वाले सद्दाम नाम के एक शख्स ने पहले इसको अपने प्यार के जाल में फंसाया और शादी का झांसा देकर इसके साथ बलात्कार करता रहा। जब मामला पुलिस में पहुंचा तो सद्दाम ने इससे कंप्रोमाइज करते हुए इसे अपने घर ले गया और अब जब इस नाबालिग लड़की से एक बच्चा पैदा हो गया है तो एक बार फिर इसे घर से निकाल दिया गया है। हम बता रहे हैं उनके अम्मा से, उनके अम्मा जब बताएं तो उनके अम्मा कहना अगर कुछ हो तो हम शादी करा ले, शादी झांसा देखे कहने हम शादी करा ले, कहने हम शादी बाद में उसके बाद में कहने शादी ना करबे तो हमारे पापा पंचायत बटोरने हैं, तो पंचायतों की बात नहीं माने ना, तो कहने कसम खाओ तो हम कसम खा ले रहे, कहने देव खाए तो तीन चार जगह कसम खा, कहने हम सच्चे रहें तो हम कसम खा ले रहे। उसके बाद में वे लोग रिपोर्ट कर दिए पहले, कहने शादी कर लेबे, ठीक है जब कसम खाज करके कहने पाँच दिन के बाद हम निकाह पढ़ा लेबे, निकाह हुआ था या ऐसे ही गई थी? और मेरी जैसे कच्ची भी अच्छा, फिर इसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ले गया थी के फिर छोड़ के भाग गए अपना घर ही तो छोड़। अस्पताल के डॉक्टरों का कहना है कि लड़की नाबालिग है लेकिन माँ और बच्चे दोनों स्वस्थ है। गर्भवती यहाँ भर्ती हुई थी, इसकी उम्र इसमें रिकॉर्ड में 17 साल लिखा हुआ है और इसने नॉर्मल बच्चा को जन्म दिया है, बच्चा भी स्वस्थ है, माँ भी स्वस्थ है। किसी प्रकार कोई दिक्कत तो नहीं इसको? इसको माँ को भी कोई परेशानी नहीं, ना उसके बच्चे को भी कोई भी परेशानी, किसी प्रकार की परेशानी नहीं है। धोखे का शिकार हुई इस लड़की की जिंदगी अब दो राहे पर है, जबकि इसके परिजनों ने थाने में तहरीर देते हुए FIR दर्ज कराने की बात कही है। इसके साथ जबरन बलात्कार हुआ? बलात्कार हुआ है। वो तो बोल रहे कि उनके साथ रहते तो हम कोर्ट मैरिज करके। कोर्ट मैरिज नहीं हुई है सर। अच्छा, नाबालिग कोर्ट मैरिज नहीं होती। वो तो लड़की तो बोले हमने कोर्ट मैरिज किया। नहीं क्या है मतलब नकली ऐसे कागज बना दिन है, वहीं भेज दिन है, हम भेज दिन कर ले जाओ, वहाँ 10-15 दिन बाकी नहीं तो दूसरे घर में छोड़ के मतलब लंडो भाग गया। कहीं रिपोर्ट किया तुमने कहीं? हाँ, तो सदरन थाना में किया। तो उसको लड़के क्या उन्होंने गिरफ्तार किया? उसको बंद है, बंद है। अब गेंद पुलिस के पाले में है, पुलिस अगर चाहेगी तो कोई ऐसा रास्ता निकल आएगा जिससे इस माँ और बच्चे की जिंदगी एक बार फिर से खुशहाल हो जाएगी। बाराबंकी से महमूद आलम, News 75.in।